नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा खबरों का रुख करेंगे। सदन के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे से सदन कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बार बार सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बार बार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। वहीं लोकसभा में सदन के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी है। हमीरपुर से पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आजाद भारत पार्टी बुंदेलखंड राज्य बनाओ पदयात्रा का शुभ आरंभ करेगी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर जमकर हंगामा किया। बता दें कि पदयात्रा की शुरुआत हमीरपुर मुख्यालय के लक्ष्मीबाई तिराहे से हुई। अवारा पशुओं से परेशान होकर गोंडा जिले के सिरझिया तापरा गांव के कुछ किसानों ने थाने में तहरीर दी। तो मेरे साथ बद्री प्रसाद निषाद जी हैं, मैं आपसे जानूंगा क्या मामला है और आपने जो एक ऑडियो आपका वायरल हुआ है वो क्या है बताएंगे। बद्री प्रसाद जी, जी आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज पर। क्या मामला हुआ जरा बताएं आप। सर मामला ये है कि मैं रखवाली कर रहा था अपने खेत की, और उसी रात जो है घना कोहरा था, घने कोहरे में 4-5 सांड आ गए, मेरा ये बेड़ा तोड़ दिए और तोड़ करके चरने लगे। जब मैं उनको दौड़ा जो है हाँकने के लिए, हाँका करने के लिए, पूरा सांड मेरे ऊपर टूट पड़े। जैसे इस तरीके से कुछ दिन मेरे भगवान की कृपा रही, कैसी भी हो कि मैं बच गया। मैं इसी में भागता रहा और चिल्लाता रहा जब तक अड़ोस पड़ोस के लोग, गाँव वाले लोग दौड़े, जब जाके मेरी जान बची और छुट्टा जानवर से। इसलिए आहत होकर मैं जो है जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन लगाया, जो उनके जो है PRO साहब ने उठाया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा मत करिए। हमने कहा कि सर मेरी जो है रक्षा सुरक्षा करें, नहीं तो मैं ऐसे भी मर जाऊंगा, या तो कहें आप लोग तो मैं जो है बिजली का तार पकड़ लूं या फांसी लगा लूं, क्योंकि मैं बहुत बेबस हो चुका हूं। मेरे ऊपर इतना कर्जा पहले से है और अब मैं कर्जा लेकर गेहूं बो रखा हूं, वो भी आज बचने का राजी नहीं, और बचाने जाऊं तो मेरी जान का भी जो खतरा है। इसलिए जो है मैंने, उन्होंने कहा कि SDM साहब से मैं बोल रहा हूँ, आप भी बात कर लीजिए, आपको राहत दिलवाएंगे और जानवरों से। हमने SDM साहब से बात की, उन्होंने कहा देखिए ऐसा मत, वैसा कोई कदम मत उठाइए, आपकी कार्रवाई हम करवाएंगे और जल्द से जल्द राहत दिलवाएंगे। हमने कहा ये बताइए आप कैसे कार्रवाई करवाएंगे, ऐसे ही राहत दिलवाएंगे? जब हमको मार दिया होता है, अगर वो छुट्टा जमाना अगर हमको मार देता तो आप तो हमारे ऊपर FIR करवा देते, हमें जेल भिजवा देते, और जो है अगर मैं मार दूं तो FIR करवा देते, वो मार देता तो मेरी पोस्टमार्टम करवा देते। तो आज तो मैं खड़ा हूँ कि ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और ये अपने खेत पे, नहीं तो मेरी लहास पोस्टमार्टम गोंडा चली गई होती और खबर निकलता कि एक किसान मारा गया। सुपौल के त्रिवेणी गंज में इंटर की परीक्षा पहला दिन शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे अधिकारियों ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा चल रहा है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे अधिकारियों ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा चल रही थी, किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं थी। सभी परीक्षा केंद्रों का विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। सभी अधिकारी अपने अपने कार्य पर तैनात हैं। त्रिवेणी गंज अनुमंडल अंतर्गत 4 सेंटर्स जो है सो बनाए गए हैं और यहाँ सभी सेंटर्स जो है सो छात्राओं का सेंटर है। जो वीक्षकों की संख्या है 25 विद्यार्थियों के एक वीक्षक लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त और भी तैयारियां की गई है, जैसे प्रत्येक सेंटर पे चिकित्सा व्यवस्था के लिए ANM की प्रतिनियुक्ति की गई है। नॉर्थ दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और बेंगलुरु से 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है और एक बड़े साइबर क्राइम का पर्दाफाश किया है। बता दें कि ये गैंग लोगों को नकली गेमिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन गेम खेलने का झांसा देकर ठग रहा था, जिसकी खबर दिल्ली पुलिस को नेशनल साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत मिली, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू की गई। तो साइबर पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर गैंग को पकड़ने के लिए खुद को स्विगी डिलीवरी बॉय बनकर खाना देने गया और अपराधियों को थर दबोचा। क्या मामला है? दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक इंटरस्टेट सिंडिकेट ऑफ फ्रॉडस्टर्स
ये गैंग बस्ट किया है, 3 लड़कों की अरेस्ट करी है। मामला हमारे बुराड़ी थाना जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। इन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल में एक कंप्लेंट दी कि 1,49,000 का इनका जो पैसा है वो ऑनलाइन गेमिंग में किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया है। हमने केस दर्ज किया, चेक किया कि एक funplay9.com पे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मनी ट्रेल और जो मोबाइल टेलीफोनी का सर्वेलेंस होता है उसके चलते ये पाया गया कि ये फेडरल बैंक और यूनियन बैंक के इंटरस्टेट अकाउंट से कर्नाटका के और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह के। फिर चलते चलते इसमें जब इन्वेस्टिगेशन और आगे हुई तो एक दिल्ली में उत्तम नगर एरिया का एड्रेस आता है जहाँ पर हमारी टीम ने बड़े अच्छे से एक स्विगी के जो डिलीवरी बॉय है वो बन के वहाँ पर रेड करी। और ये 3 लड़के जिनका नाम मेन सरगना का श्रियांश चंद्रशेखर और साथ में आयुष और यश, इनको पकड़ा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप देखने के लिए देखते रहिए TNP News।